एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद मी. दिस इज शिनम कटारिया. आज आप करेंगे इकनोमी करंट अफेयर्स क्लास फर्स्ट. मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स ने नैप तहसीलदार पीपीएससी कोऑपरेटिव इंस्पैक्टर के लिए 80 नंबर की जीके का फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स चल रहा है. हर लैक्चर की तुहानू पीडीएफ भी मिलती है टैलीग्राम चैनल से. टैलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दाँगी. बिल्कुल आसान भाषा के अंदर तुहानू समझाया जा रहा है. तुसी जाके प्लेलिस्ट चैक कर सकते हो. प्लेलिस्ट के अंदर सारी क्लासेस मैं मतलब प्लेलिस्ट बनाती है, तुसी ईजली वो क्लासेस नू देख सकते हो. एंड अगर तुहानू मेरी ये वीडियोज़ पसंद आ रही नहीं तो लाइक शेयर तो सबसक्राइब जरूर करना. अगर मैं तुहाडे लई ए फ्री ऑफ कोस्ट एक कोर्स चला रही हूँ तो इहदा मकसद ये है कि स्टूडेंट्स की बहुत ज़्यादा मदद होवे. तुसी उहदे बदले सबसक्राइब तो कर सकते हो. ठीक है, देखो सबना पहले है पी सी ए. मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर है ये पी सी ए प्रोम्प्ट करेक्टिव एक्शन इकनोमी का. ठीक है, देखो मैं हम तुहानू दसांगी वट इज़ मीनिंग ऑफ प्रोम्प्ट करैक्टिव एक्शन. बिल्कुल एक एक चीज़ नू बिल्कुल सही ते आसान भाषा समझाया जाएगा ताकि सुनने वाले नू सही लगे कि हाँ मैनू समझ आ रहा है. ठीक है, देखो मैं पहले तुहानू दस दिया पी सी ए की है. पी सी ए प्रोम्प्ट करैक्टिव एक्शन, एदा जिहड़ा नाम है ना उहदे च ही बहुत कुछ बोलता है. प्रोम्प्ट करैक्टिव एक्शन, जल्दी तो तेजी तो एक एक्शन लेना. देखो आर बी आई है, आर बी आई जिन्ने भी बैंक्स ने उन्हों का करता धरता है सारे बैंक्स का. ये जिहड़ा पी सी ए का फ्रेमवर्क है ना इस शड्यूल कमर्शियल बैंक के लिए है. मान लो आर बी आई नूं लग्या कोई शड्यूल कमर्शियल बैंक जिहड़ा एक आने वाले एक या दो महीने के अंदर ना ये पूरी तरह बर्बाद होने वाला है. मतलब इहदे कोल सब कुछ खत्म होने वाला है. मतलब फाइनैंशियल जिहड़ी उनकी स्थिति है ना बहुत ज़्यादा खराब होने वाली है. तो उस तो पहले जो ही आर बी आई नूं पता लग जाता है तो आर बी आई की करता है उस बैंक नूं पी सी ए के अंदर पा देता है. ठीक है, प्रोम्प्ट करैक्टिव एक्शन के अंदर पा देता है. हुण पी सी ए दे लई अगर आर बी आई नूं किवें पता चलेगा कि ये बैंक एक दो महीने च मतलब इहदी स्थिति खराब होने वाली है, मतलब पी सी ए दे नॉर्म्स इहदे ते किवें अप्लाई होणगे, वो मैं हुणे तुहानूं दसूंगी. बट मेरा ये मकसद सी दसण दा कि पी सी ए दा मतलब की है, प्रोम्प्ट करैक्टिव एक्शन. मान लो कोई बैंक आने वाले टाइम च उनकी स्थिति खराब होने वाली है, लोगों ने जो भी डिपोजिट करवाया है वो सब कुछ खराब होने वाला है क्योंकि बैंक को कुछ बचेगा ही नहीं, वो तो बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा. तो आर बी आई का काम है क्योंकि वो करता रहता है बैंक्स का, तो आर बी आई ने उस बैंक को संभालना है. इस करके स्थिति ज़्यादा खराब ना हो जाए आर बी आई उन्होंने पहले ही पी सी ए पा देता है. जो ही उन्होंने स्थिति सही हो जाती है उन्होंने पी सी ए तो बाहर कढ देता है. तुसीं मैनू ये दसना है हुण रीसेंटली पी सी ए के अंदर किहड़ा बैंक है प्रोम्प्ट करैक्टिव एक्शन के अंदर. और एक होर क्वेश्चन है 2021 के अंदर ना रीसेंटली तीन बैंक ने जिन्हों पी सी ए के अंदर कढ भी दिता गया. ठीक है, देखो यार प्रोम्प्ट करैक्टिव एक्शन पी सी ए इज़ द फ्रेमवर्क अंडर विच बैंक्स विद वीक फाइनैशियल मैट्रिक्स आर पुट अंडर वॉच बाय द आर बी आई. हमने मैं दसिया ना वो बैंक जिन्हों की जी फाइनैशियल जी कंडीशन है वो खराब हो चुकी है, वीक हो चुकी है, उन्होंने आर बी आई पी सी ए के अंदर रख देता है. आर बी आई इंट्रोड्यूस द पी सी ए फ्रेमवर्क इन 2002. मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, आर बी आई ने यह पी सी ए इंट्रोड्यूस किया 2002 के अंदर ताकि बैंक की स्थिति होर खराब हो जाए. बिल्कुल ही डिपोजिट जोड़े आम आदमी जो डिपोजिट बैंक करवाता है अगर वो ही खराब हो गया तो आप मतलब जोड़ा बैंक है जिन्हें लोगों तो डिपोजिट लेते ने वापस किमें लौटाएगा. इस तो पहले पहले आर बी आई पी सी ए अंदर रख दिता है एज ए स्ट्रक्चर अर्ली इंटरवेंशन मकैनिजम फॉर बैंक दैट बिकम अंडर कैपिटलाइज ड्यू टू पुअर एसेट क्वालिटी और वल्नरेबल ड्यू टू लॉस ऑफ प्रोफिटेबिलिटी. पुअर एसेट क्वालिटी के नाल उनकी जी अंडर कैपिटलाइज हो चुकी है, वल्नरेबल हो चुकी है ड्यू टू लॉस ऑफ प्रोफिटेबिलिटी. देखो हुण मैं दस्या सी कि अगर पी सी ए हुण आपां नूं बैंक जिहड़ा है अगर आर बी आई जिहड़ा है बैंक नूं शेड्यूल कमर्शियल बैंक है जिंदी स्थिति खराब होने वाली है उन्हूं पी सी ए के अंदर रखना चाहता है किस बेसिस से वो पहचान करेगा. तीन इंपोर्टेंट पॉइंट ने, कैपिटल रेशो, एसेट क्वालिटी ते प्रोफिटेबिलिटी. आप इनू कर लें रिमूव ताकि ईजली समझ आए. ओके रिमूव नहीं हो रहा, कोई गल नहीं. देखो पी सी ए फ्रेमवर्क डीम्स बैंक्स एज रिस्की इफ दे स्लिप बिलो सर्टेन नॉर्म्स ऑन थ्री पैरामीटर. हुण देखो जिहड़ा बैंक है जिहड़ा आर बी आई है वह किवें मन्नेगा कि यह बैंक की जिहड़ी कंडीशन है ना बड़ी खराब है, इनू पी सी ए अंदर रखना ही पेगा. वह किवें मन्नेगा? तीन चीज़ा, अगर कैपिटल रेशो, एसेट क्वालिटी, प्रोफिटेबिलिटी. अगर वह बैंक की कैपिटल रेशो इहदे वी अगो रूल्स हैगे ने किवें, कैपिटल रेशो, एसेट क्वालिटी, प्रोफिटेबिलिटी, अगर आ तीनों चीज़ा तो बैंक दियाँ सही ने तो पी सी ए रखने की जरूरत ही नहीं. बट अगर ये कैपिटल रेशो, एसेट क्वालिटी, प्रोफिटेबिलिटी कोई गड़बड़ी चल रही है तो पी सी ए अंदर रखना पेगा. देखो जो ये कैपिटल रेशो है ना इनू कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशो भी कहते हैं. एसेट क्वालिटी जी है बेस्ड ऑन एन पी ए बेसिस है, प्रोफिटेबिलिटी है रिटर्न कितना मिलता है तो एसेट के उत्ते. आ तीन कंडीशनस ने
अगर ये तीन कंडीशन तां सही चलदियां मैंने बैंक दे तां पीसीए दे अंदर रखण दी जरूरत नहीं, अगर तीन कंडीशन बैंक दियां सही नहीं चलदियां तां पीसीए दे अंदर रखना ही पऊगा। देखो सबसे पहले कैपिटल रेशो, हुण एक आरबीआई कहिंदा है शेड्यूल कमर्शियल बैंक नूं कि शेड्यूल कमर्शियल बैंक नूं आरबीआई कहिंदा है कि तुहाडे कोल जिहड़ी कैपिटल रेशो है वो 11.5% होनी चाहिए है। अगर 11.5% तो थले है तो तीन रिस्क आते ने, पहला दूसरा तीसरा, ठीक है, तो इनका मतलब वो बैंक पीसीए के अंदर तो लियाना ही पेगा। मान लो एक बैंक है उनकी 11.5% तो घट है कैपिटल रेशो, मतलब कैपिटल रेशो का मतलब पता क्या है कि अगर एक बैंक है शेड्यूल कमर्शियल बैंक है, मान लो कोई अगर वो 100 रुपया उधार देता है ना, जिमें मैं गई तो उन्हें मैंने 100 रुपया उधार दिता, वो बैंक जो आरबीआई ना कहता कंडीशन पता क्या होनी चाहिए कैपिटल रेशो की, अगर बैंक 100 रुपया उधार देता है तो उन्हें आधे को 11.5% तो होना ही चाहिए है। मतलब मैं एक एग्जाम्पल लिखती सी 100 रुपया, ओके शुड बी 11.5%। मतलब अगर एक बैंक के कोल आरबीआई कहता है एक बैंक के कोल शेड्यूल कमर्शियल बैंक के कोल अगर 11.5% नहीं है कि उस तो थले उनके को अमाउंट है जो उनके को खुद कोल है तो ना मतलब वो पीसीए के अंदर आऊगा। देखो कैपिटल रेशियो के अंदर ना तीन तरह के रिस्क ने, फर्स्ट सैकेंड थर्ड। अगर जो सीआरएआर है अगर वो 10.25% तो घट है तो 7.75% तो ज़्यादा है तो वो फर्स्ट कैटेगरी च आ जाएगा। अगर 6.25% तो ज़्यादा है बट लैस दैन है 7.75% तो सैकेंड के अंदर आ जाएगा। बट अगर 3.625% तो घट है तो थर्ड कैटेगरी के अंदर आ जाएगा। मतलब कैपिटल रेशियो अगर 11.5% तो घट है उन्हें भी तीन रूल ने रिस्क के, फर्स्ट सैकेंड थर्ड, ठीक है, तो फिर वो पीसीए के अंदर आऊगा। हुण एसेट क्वालिटी मतलब एनपीए, एनपीए का मतलब ये होंगे बैंक जिन्ना उधार से पैसा देता है उन्होंने किन्ना वापिस आता है, वो बन जाता नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ठीक है। अगर थ्रैश होल्ड फर्स्ट सैकेंड थर्ड, फर्स्ट के अंदर कौन आएगा, अगर 6% तो लैके 9% है एनपीए, अगर 9% तो लैके 12% है सैकेंड के अंदर, अगर मोर दैन 12% है तो थर्ड के अंदर आ चुका। ओके नेक्स्ट हूँ प्रोफिटेबिलिटी, रिटर्न ऑन एसेट, ठीक है, एसेट से थानू कि रिटर्न मिलना है। अगर मान लो दो लगातार 2 साल तक थानू नैगेटिव रिटर्न होया तो तुसी कैटेगरी फर्स्ट च आ गए, अगर लगातार 3 साल थानू नैगेटिव रिटर्न होया तो तुसी कैटेगरी सैकेंड च आ गए, अगर थानू लगातार 4 साल नैगेटिव रिटर्न आया ना तो तुसी कैटेगरी थर्ड च आ गए। इस बेसिस से जो आरबीआई है ना बैंक्स नू पीसीए दे अंडर रखता है प्रोम्प्ट करेक्टिव एक्शन दे, ठीक है, जिंदी हालात ज़्यादा माड़े होंगे ने, मतलब तीन कैटेगरी देते ना फर्स्ट सैकेंड एंड थर्ड, उन्होंने लगेगा जिंदा 4 साल तो लगातार ही मतलब खराब होंगे आया नैगेटिव रिटर्न तो इन्हू चक लेगा। एवें ही इधर देखो अगर मोर दैन 12% तो एनपीए तो कंसीडर करेगा। आ वाले रिस्क के अंदर मान लो एक बैंक है आरबीआई ने उन्होंने प्रोम्प्ट करेक्टिव एक्शन च रखता, फिर आरबीआई ने अगर उन्होंने प्रोम्प्ट करेक्टिव एक्शन च रखता तो हूँ आरबीआई ये भी देखेगा ये बैंक फर्स्ट आता है सैकेंड आता है या थर्ड कैटेगरी आता है, मतलब कैपिटल रेशियो फर्स्ट सैकेंड थर्ड आता है, एसेट क्वालिटी के अंदर भी फर्स्ट सैकेंड या थर्ड आता है, प्रोफिटेबिलिटी के अंदर फर्स्ट सैकेंड या थर्ड आता है। मान लो एक एग्जाम्पल देती हाँ मैं, पहले आप रिमूव कर लीए, रिमूव ही नहीं हो रहा, 1 सैकेंड, चल कोई गल नहीं, ठीक है। देखो आरबीआई है, आरबीआई ने कोई शेड्यूल कमर्शियल बैंक में पीसीए के अंदर रख, उनकी ना कैपिटल रेशियो खराब सी, उनकी एसेट क्वालिटी भी खराब सी, उनकी प्रोफिटेबिलिटी भी खराब सी। हुण उह वेखेगा जिहड़ा शेड्यूल कमर्शियल बैंक कोई भी लै लो, हुण उह देखेगा उनकी जिहड़ी कैपिटल रेशियो है अगों भी जिहड़ी तीन कैटेगरी ने किहड़े कैटेगरी 'च बैंक आ रहा है, फर्स्ट सैकेंड थर्ड, फिर एसेट क्वालिटी 'च भी कैटेगरी देखेगा, प्रोफिटेबिलिटी के अंदर भी कैटेगरी देखेगा। आई होप कि तुहानू इह समझ आ गया आएगा, ठीक है। नैक्सट हुण इह न्यूज़ 'च क्यों है प्रोम्प्ट करैक्टिव एक्शन, देखो 2022 के अंदर जनवरी 2022 तो ना इन्ते नवे रूल्स आ गए, ज़्यादा चेंजेस तो नहीं हुए बट इन्हें ना जो फ्रेमवर्क है रिवाइज किया गया, कुछ चेंजेस किए गए ने, मैं तुम्हें दसदी हाँ। आरबीआई इशूज रिवाइज पीसीए फ्रेमवर्क फॉर बैंक फ्रॉम जनवरी 2022, रिमूव रिटर्न ऑन एसेट एज एन इंडीकेटर टू क्वालीफाई फॉर पीसीए। देखो मैं तुम्हें दसा सी पीसीए पहचान करने वास्ते प्रोम्प्ट करैक्टली तीन है ने, है ना, कैपिटल रेशो है, सैकेंड कहड़ा एसेट क्वालिटी है, थर्ड कहड़ा प्रोफिटेबिलिटी है, बट कहते कि जनवरी 2022 तो प्रोफिटेबिलिटी वाला फीचर तो चला जाएगा, दो फीचर के बेस से ही बैंक नू रखा जाएगा एस पी पी सी ए अंडर आर बी आई, ठीक है, समझ आई कि जोड़ा प्रोफिटेबिलिटी वाला फीचर है ना आ वाला, ये जनवरी 2022 तो चला जाएगा। क्यों
ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਿਲਟੀ ਜਦੋਂ ਕੈਪੀਟਲ ਰੇਸ਼ੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ 11.5% ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ PCA ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਓਗੇ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੈਪੀਟਲ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਿਲਟੀ ਦਾ ਫੀਚਰ ਤਾਂ ਇਨਕਲੂਡ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਥਰਡ ਫੀਚਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ PCA, ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ PCA ਦੇ ਅੰਡਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੀਜਨਲ ਰੂਰਲ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ ਗਈ ਸੀ ਗੱਲ, ਬਟ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2022 ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਰੀਜਨਲ ਰੂਰਲ ਬੈਂਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ PCA ਦੇ ਅੰਡਰ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਮੋਲ ਫਾਈਨਾਂਸ ਬੈਂਕ, ਪੇਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਐਕਸਕਲੂਡ ਫਰੋਮ PCA ਫਰੇਮਵਰਕ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਸਮੋਲ ਫਾਈਨਾਂਸ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਪੇਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ RBI ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ PCA ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਰੀਜਨਲ ਰੂਰਲ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਬਟ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਸਮੋਲ ਫਾਈਨਾਂਸ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਪੇਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2022 ਤੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹ PCA ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਮਪਟ ਕਰੈਕਟਿਵ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਵੁੱਡ ਬੀ ਬੇਸਡ ਔਨ 4 ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਕੁਆਰਟਲੀ ਰਿਜ਼ਲਟ, ਮਤਲਬ 4 ਕੁਆਰਟਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ, ਆਡਿਟਡ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ, ਐਨੂਅਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਕੰਫਰਟ ਆਫ RBI ਅਸੈਸਮੈਂਟ, ਮਤਲਬ RBI ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਆਡਿਟਡ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ, ਫਿਰ ਹੀ ਮਤਲਬ RBI ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰੇਗਾ, ਫਿਰ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ PCA ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇਗਾ। ਪ੍ਰੋਮਪਟ ਕਰੈਕਟਿਵ ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਰਟੀਕਲ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਤਰਫ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਡੂਰੇਸ਼ਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਛੋਟੀ ਰਹੇਗੀ, ਬਸ 1-2 ਦਿਨ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਹੈਲਥ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਲਡ ਹੈ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ, ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ 1-2 ਦਿਨ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਜੋ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਫੈਕਟਲੀ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੂਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾ ਦੂੰਗੀ। 3 ਕਲਾਸਿਸ ਡੇਲੀ ਆਉਣਗੀਆਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਡੂਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 30-40 ਮਿੰਟ ਹੀ ਰਹੇਗੀ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਦੀ। ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਕਰਵਾਉਣਗੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਵਰ ਕਰਾਵਾਂਗੇ 80 ਨੰਬਰ ਦਾ, ਡੋਂਟ ਵਰੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਵਰ ਹੋਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜੋ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਸਕੀਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ RBI ਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਹੈ RBI ਰਿਟੇਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਕੀਮ, ਇੱਕ ਹੈ RBI ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਅੰਬਡਸਮੈਨ ਸਕੀਮ। ਅੰਬਡਸਮੈਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗਰੀਵੀਅੰਸ ਸੁਣਨਾ ਪਬਲਿਕ ਦੀਆਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਗਰੀਵੀਅੰਸ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸ ਆਰ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਓ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ RBI ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਆਇਆ, RBI ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕੁਸ਼ਚਨ ਆਏਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਹੀ ਆਏਗਾ ਕਿ ਰਿਟੇਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਕੀਮ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, RBI ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਅੰਬਡਸਮੈਨ ਸਕੀਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਦੇਖੋ, RBI ਰਿਟੇਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਰਿਟੇਲ ਇਨਵੈਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਆ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ, ਹੈ ਨਾ, ਅਗਰ ਦੇਖੋ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਿਕਿਉਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮਾਊਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 1 ਕਰੋੜ 'ਚ ਅਮਾਊਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਸੋਰੀ ਹੁਣੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ RBI ਰਿਟੇਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਕੀਮ। ਅਗਰ ਮੈਂ RBI ਰਿਟੇਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਕੀਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, 1 ਸੈਕਿੰਡ, RBI ਰਿਟੇਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਿਟੇਲ ਇਨਵੈਸਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਬੜੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ, ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਵੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਛੋਟੀ ਅਮਾਊਂਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਿਕਿਉਰਟੀਜ਼, ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਇਸ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਅੱਗੋਂ ਜੋ ਵੀ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ, RBI ਰਿਟੇਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਕੀਮ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਰਿਟੇਲ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਨੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਪਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੇਗੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦਾ ਸਕੀਮ ਇਜ ਏਮਡ ਐਟ ਇਨਹੈਂਸਿੰਗ ਐਕਸੈਸ ਟੂ ਦਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਮਾਰਕੀਟ ਫੋਰ ਰਿਟੇਲ ਇਨਵੈਸਟਰ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦੱਸਤਾ, ਇਟ ਓਫਰ ਦੈਮ ਏ ਨਿਊ ਅਵੈਨਿਊ ਫੋਰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਨਵੈਸਟਿੰਗ ਇਨ ਦਾ ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਇਸ਼ੂਡ ਬਾਈ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਐਂਡ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮੈਂਟ। ਇਨਵੈਸਟਰ ਵਿਲ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਈਜ਼ਲੀ ਓਪਨ ਐਂਡ ਮੇਨਟੇਨ ਦੇਅਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਅਕਾਊਂਟ ਓਨਲੀ ਔਨਲਾਈਨ। ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਵੀ RBI ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਖੋਲ ਸਕਦੇ ਸੀ ਫਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ RBI ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅੰਦਰ RBI ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਅਕਾਊਂਟ ਖੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦਾ ਸਕੀਮਸ ਓਫਰਸ ਅ ਪੋਰਟਲ ਅਵੈਨਿਊ ਟੂ ਇਨਵੈਸਟ ਇਨ ਸੈਂਟਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਿਕਿਉਰਟੀ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਿਕਿਉਰਟੀ, ਟ੍ਰੈਜਰੀ ਬਿੱਲ, ਸਟੇਟਸ,
डिवेलपमेंट लोन, स्वर्ण गोल्ड बॉन्ड स्कीम। इस स्वर्ण गोल्ड बॉन्ड स्कीम अगर इकनोमी के करंट अफेयर्स मैं समझावांगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो अजकल अपने इंडिया के अंदर ट्रेंड है ना, लोग जो गोल्ड है फिजिकल रखना चाहते हैं, बट अगर प्रैक्टिकली सोचा जाए ना, स्वर्ण गोल्ड बॉन्ड स्कीम एक ऐसी है कि अगर थोड़ा सोना खरीदन का इन्ना शौक है, इस गोल्ड बॉन्ड को खरीद लो ना, थोड़ा इंट्रस्ट भी मिल रहा है। सोना तो तुम लै लिया फिजिकली, वो थोड़ी अलमारी पिया रहेगा, बट बोंड अगर तुम लै ले तो थानू इंट्रस्ट भी मिलता रहेगा, बहुत फायदेमंद है। बट इंडिया के अंदर ट्रेंड है फिजिकली सोना नू रख सोने नू रखन दा, है ना, ठीक है। उस तो बाद है रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम। इसके अंदर क्या होएगा कि आप अपनी ग्रीवियंस जो है RBI नू दस सकेंगे, कि इस तो पहले आप अपनी शिकायतें दस नहीं सकते सी, नहीं उस तो पहला भी है बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम 1995, ओम्बड्समैन स्कीम फॉर नॉन बैंकिंग फाइनैशियल कंपनी 2018, ओम्बड्समैन स्कीम फॉर डिजिटल ट्रांजैक्शन 2019। इन्हों मर्ज करके हुण आ गया रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम। ये अंदर कुछ चेंजेस भी किए गए ने, ठीक है। इन्हों नाम दिता गया वन नेशन वन ओम्बड्समैन विद वन पोर्टल वन ईमेल वन एड्रैस फॉर द कस्टमर टू लॉज देयर कंप्लेंट। हुण जिहड़े ओम्बड्समैन के अंदर नहीं आएंगे, जिन्हों का प्रोसैस पहला तो चल रहा उ चलता रहेगा, हूँ की है तुम ऑनलाइन घरें बैठे ही आपकी ग्रीवियंस में RBI को मतलब भेज सकते हो। वन नेशन वन ओम्बड्समैन वन पोर्टल वन ईमेल, बस देखो जिहड़ा इनके अंदर PCS सी ना प्रोम्प्ट करेक्टिव एक्शन, वो इसका क्वेश्चन आने के चांसेस 100% ने, स्टेटमेंट वांगू क्वेश्चन आएगा। हुण जिहड़ा ये सी ना RBI रिटेल डायरेक्ट स्कीम ते रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड नंबर स्कीम, इनके क्वेश्चन आने के चांसेस कोई होर तरीके के ने, जिवें इनके जिहड़े इनके फीचर्स ने ना वो मतलब पेपर के अकॉर्डिंग नहीं है, वो सिर्फ एक नॉलेज लई ने जिहड़े इनके फीचर्स ने, कि RBI रिटेल डायरेक्ट स्कीम की है, रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम की है, यह क्वेश्चन आ किवें सकता है, ठीक है। ये अंदर ये वाला क्वेश्चन बन सकता है कि जी मतलब रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम है कि तीन स्कीम को मर्ज करके इनू बनाया गया है, तो तुम्हें यह याद रखना है, ठीक है। आ सारे पॉइंट पढ़ने ने 1995, 2018, 2019। होर क्वेश्चन किवें आ सकता है कि रिटेल डायरेक्ट स्कीम आई है किन की है, किड़े बैंक की है, तो RBI की है। बाकी उवें क्वेश्चन आ जाता जिम्मे पेयर न, अज मैं क्वेश्चन नहीं पाए, सो वीडियो की ड्यूरेशन जल्दी तो लंबी हो जूगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। अगर तुम्हें मेरी वीडियोज़ पसंद आ रही हैं, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सबसक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।